स्टूडेंट, तो कल हमने विकारी शब्द के भेद, भेदने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया देखा था। कल हमने फिर से संज्ञा लिया था, संज्ञा के बाद संज्ञा उसकी परिभाषा और संज्ञा के उपभेद देखे थे। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सारे संज्ञा के भेद देखे थे। आज हम वही देखेंगे, लेकिन विकारी भेद, विकारी और विकारी भेद का जो दूसरा उपभेद रहेगा सर्वनाम, इसके बारे में हम आज जानकारी ले लेंगे। विकारी शब्द, पहला था संज्ञा, आज दूसरा देखेंगे सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। कल हमने इसके बारे में देखा था, आज लिखोगे सर्वनाम, इसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर आने वाला, संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं, फिर से एक बार बताती हूँ। संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब एक उदाहरण देखेंगे, आपके समझ में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे महेश अच्छा लिखता है, महेश अच्छा लिखता है। तो यहाँ पे महेश यह शब्द जो है यह जाता है संज्ञा शब्द में, महेश शब्द रहेगा संज्ञा। लेकिन हमारे सर्वनाम की परिभाषा हमें क्या बताती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला जो शब्द रहेगा वही होगा सर्वनाम। अब यहाँ पे महेश है, महेश संज्ञा है। अब वही एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे कि महेश की जगह एक दूसरा शब्द हम ले लेंगे, जैसे कि वह लेंगे, वह अच्छा लिखता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, संज्ञा के स्थान पे एक दूसरा शब्द लिखा है जो वह है, तो वही शब्द हमारा होगा सर्वनाम, वही शब्द हमारा रहेगा सर्वनाम। बाद में लिखोगे, पहले लिखो परिभाषा के बाद लिखो आप जैसे जैसे वो शब्द लिखेंगे। मैं, वह, तुम, हम, आप, मैं, वह, तुम, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ आदि। उदाहरण अब लिखोगे, महेश अच्छा लड़का है, इस तरह से लिखोगे समझ में आ जाएगा जल्दी आपको। महेश अच्छा लिखता है, संज्ञा लिखो और उसके बाद इस तरह से लिखोगे सर्वनाम, समझ में आ जाएगा जल्दी आपको। ये आपका वाक्य सही होगा। और सेंटेंस, लिखो
यह लड़का कौन है क्वेश्चन मार्क, यह लड़का कौन है क्वेश्चन मार्क, यह शब्द पे अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट लिखोगे और एक उदाहरण, मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं पे आप अंडरलाइन करोगे। कुछ शब्द आपके लिए रहेंगे, लिखो आप, वह, कोई, उन्होंने आदि 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 यानी इत्यादि। अब देखेंगे सर्वनाम के प्रकार कौन से, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा सर्वनाम के उपभेद या प्रकार। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके तीन उपभेद रहेंगे, इसके तीन उपभेद। पुरुषवाचक सर्वनाम इसके तीन उपभेद, पहला लिखोगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा उपभेद रहेगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा रहेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा उपभेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से बताती हूँ, पहला उपभेद, पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके तीन उपभेद रहेंगे, पहला रहेगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा रहेगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा भेद लिखोगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, तीसरा लिखोगे अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा लिखोगे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा लिखोगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, और अंतिम रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम,
अंतिम रहेगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम कुल मिलाकर सर्वनाम के छह भेद रहेंगे। अब पहला जाएंगे फिर से देखने के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखेंगे हम पहले। जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले सुनने वाले वामा सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से बताती हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर समझ लेंगे कि यहां पे कहने वाले यानी अगर आप कक्षा में हो तो कहने वाला कौन रहेगा? अध्यापक फर्स्ट पर्सन रहेगा आपका। दूसरा है कि उन्होंने बोला कि सुनने वाले, कक्षा में बैठे हो छात्र है तो छात्र रहेगा सुनने वाला सेकंड पर्सन रहेगा। और हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे अध्यापक बोल रहे है छात्र सुन रहे है और कबीर के बारे में बोल रहे हैं, कबीर की रचनाओं के बारे में हम बोल रहे हैं तो कबीर रहेगा आपका तीसरा पर्सन, यानी बोलने वाला अध्यापक रहेगा, सुनने वाले छात्र रहेंगे और जिसके बारे में बोल रहे हैं वह रहेगा हमारा कबीर। तो इस तरह से बोलने वाला सुनने वाला और अन्य पर्सन जो होता है उसे ही हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे यहाँ पे उदाहरण कोई भी नहीं देखेंगे, हम सीधा यहाँ पे जाएंगे। फर्स्ट उपभेद लिखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखोगे, बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
शब्द कौन से रहेंगे जो अपने लिए हम बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं। लिखोगे जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझे, ये रहेंगे। साथ ही साथ रहेंगे हम, हमारा, हमने, आदि यानी इत्यादि। उदाहरण देखेंगे, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, दूसरा लिखोगे हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दो शब्द आपके लिए रहेंगे मुझे, मेरा। इसका आप वाक्य बनाओगे, मुझे, मेरा। समझ में आया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि बोलने वाला व्यक्ति, उसे ही हम उत्तम बोलेंगे। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमने, हमारा, ये सारे होंगे उत्तम। अब दूसरा देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी दूसरा पर्सन, सुनने वाला पर्सन। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग, जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द लिखोगे तू, तेरा, तुम्हारा, तू, तेरा, तुम्हारा, तुमने, तुम, सॉरी तुम्हें, आप, बहुवचन में जाएगा ये, आप, आपने, आपने, अपने नहीं, आपने, आदि। उदाहरण, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तू शब्द को रेखांकित करोगे, सर्वनाम का शब्द। दूसरा शब्द रहेगा आप यहां बैठिए, आप यहां बैठिए, दो शब्द आपके लिए तुम्हारा, तेरा, तेरा, तेरा। यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होगा वो होगा सुनने वाले व्यक्ति के लिए, तू, तेरा, तुम्हारा, आप, इस तरह से। अब तीसरा देखेंगे अन्य पुरुषवाचक, तो थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन रहेगा,
उसके लिए लिखोगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा उपभेद है पुरुषवाचक का, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिखो, जिसके बारे में बात की जाती है, उसके नाम के बदले, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर हम कक्षा में कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो बार बार कबीर 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 यह नाम लेना उचित नहीं होगा, तो उसके जगह भी कुछ शब्द आएंगे, जैसे कि वह वे इस तरह से, यानी वह वे जो ये शब्द रहेंगे वही हो गए हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम के बदले वह कुछ शब्दों का प्रयोग लिखोगे, जैसे वह शब्द लिखो, यह वह वे उन्होंने उन्हें उनका उसे आदि, उदाहरण वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। दूसरा लिखोगे उन्हें हम माफ कर देते हैं, उन्हें हम माफ कर देते हैं। शब्द लिखोगे उसके लिए, दो शब्द आपके लिए वाक्य बनाने होंगे आपको, उसने उनका, उसने उनका, फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक के तीन उपभेद रहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला व्यक्ति रहेगा, ये यहाँ पे मैं मुझे मेरा आप इस तरह से शब्द आएंगे। दूसरा उपभेद रहेगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सुनने वाला व्यक्ति, यहाँ पे तू तेरा तुम्हारा आदि शब्द आएंगे। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वह यहाँ पे आएगा, जैसे कि उन्होंने उन्हें इस तरह से। अब दूसरा हमारा भेद रहेगा सर्वनाम का, दूसरा भेद रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लिखोगे जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या
व्यक्ति का बोध, बोध यानी पता चलना, मालूम होना, व्यक्ति का बोध होता है, बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चय पता हमें चलता है, व्यक्ति और वस्तु के बारे में हम बोल सकते हैं, उनका नाम हमें पता होता है, उसी के लिए हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके चार ही शब्द रहेंगे, लिखोगे जैसे यह, वह, यह, वह, वे, ये, यह, वह, ए, वे। अब लिखोगे सेंटेंस, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। दूसरा लिखोगे, यह पे अंडरलाइन करोगे, वे मेरे मित्र के पिता है। वे मेरे मित्र के पिता है। दो शब्द आपके लिए रहेंगे, यह ए, निश्चय में हमने देखा है कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यह, वह, ये, वे, ये शब्द रहेंगे। अब देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब इसके उल्टा ये रहेगा। हाँ, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द लिखोगे, कुछ, कोई, किसका, किन्हीं से, किसके आदि। उदाहरण देखेंगे, दीवार के पीछे, यानी यहाँ पे हमें नाम पता नहीं होता है, व्यक्ति नहीं पता होती है, वस्तु के बारे में हम ठीक से बता नहीं पाते हैं, तो निश्चय वह रहेगा। देखोगे, दीवार के पीछे कोई छिपा है, दीवार के पीछे कोई छिपा है, यहाँ पे अंडरलाइन होगा कोई। दूसरा लिखोगे, किसी से पता पूछ लेना,
पूर्ण विराम, किसी से पता पूछ लेना। जो शब्द बाकी का रहा है उसका आप सेंटेंस बनाओगे। अनिश्चय यानी वस्तु और व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं होता है, इसलिए कुछ कोई इसके शब्द इस तरह से शब्द यहाँ पे आएंगे। अब देखेंगे निजवाचक श्रवण, निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे एक बार बताती हूँ, जिन सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द लिखोगे जैसे स्वयं, म नहीं लिखोगे, इस तरह से लिखोगे स्वयं कॉमा अपने आप, खुद, स्वतः, ये ज्यादा से ज्यादा हिंदी में नहीं होगा लेकिन लिख लो स्वतः, इतना ही शब्द इनके रहेंगे। सेंटेंस लिखोगे वह स्वयं ही, चला जाएगा, वह स्वयं ही चेन्नई चला जाएगा। दूसरा लिखोगे मधुमिता, खुद ही, खुद पे अंडरलाइन करो, मधुमिता खुद ही खाना बना लेगी, अपने आप आपके लिए सेंटेंस, इसका वाक्य आप बनाओगे। यानी निजवाचक यानी जो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द रहेंगे वो होंगे निजवाचक, अपने आप, स्वयं, खुद। अब देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में, जो सर्वनाम, एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम,
संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दो दो शब्द आएंगे इसके एक साथ, जैसा पैसा, जैसा डैश पैसा, इस तरह से आएंगे, जैसा वैसा कॉमा जो वो, जो डैश वो, कॉमा जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, कॉमा जैसी, कॉमा जैसी डैश वैसी, इसके सेंटेंस लिखो। सेंटेंस जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी पे अंडरलाइन। दूसरा सेंटेंस जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, वो सफल होगा। लास्ट रहेगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, किया जाता है। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसकी, किन्होंने, किसे आदि। उदाहरण तुम्हें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में लास्ट वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा ही आएगा। तुम्हें क्या चाहिए, क्या पे अंडरलाइन, प्रश्न चिन्ह। दूसरा मुझे किसने बुलाया, मुझे किसने बुलाया। तीसरा पत्र डालने, पत्र डालने कौन जाएगा, कौन जाएगा।
पत्र डालने कौन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सर्वनाम यह भेद समाप्त होता है। फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, विकारी शब्द का सर्वनाम यह दूसरा भेद रहेगा। देखेंगे अब सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएगा उसे ही हम सर्वनाम बोलेंगे। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 उपभेद रहेंगे। पहला रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 रहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बोलने वाला व्यक्ति, मैं, मुझे, मेरा, इस तरह से। दूसरा आएगा इसका उपभेद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सुनने वाला व्यक्ति, तू, तेरा, तुम्हारा आदि शब्द आएंगे। तीसरा रहेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वह आएगा, उन्हें, उन्होंने, उसका, इस तरह से शब्द यहाँ पे आएंगे। अब देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक यानी यहाँ पे क्या होगा कि आपको व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित बोध होता है, यानी आपको व्यक्ति या वस्तु पता होती है, उसके लिए कुछ शब्द रहेंगे, वो होगा निश्चय, वह शब्द रहेंगे यह, वह, ए, वे। यहाँ पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी व्यक्ति और वस्तु के बारे में निश्चित बोध नहीं होता है, पता नहीं होता है, इसलिए कुछ सर्वनाम के वहां पे शब्द आएंगे, कोई, कुछ, किसका, यह शब्द यहाँ पे आएंगे। निजवाचक, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, यानी अपने लिए जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे निजवाचक आएगा, जैसे कि अपने आप, स्वयं, खुद, ये शब्द यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ा जाएगा। दो शब्द यहाँ पे आएंगे, जो, वो, उसके बाद जिसकी, उसकी, इस तरह के शब्द। लास्ट शब्द हमारा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछा जाएगा, WH क्वेश्चन आप उसे बोलते हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे, सारे शब्द यहाँ पे आएंगे, क्या, किसने, कौन, किन्हें, कितने, ये सारे शब्द यहाँ पे आएंगे। इस तरह से सर्वनाम का यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। अब कुछ सेंटेंस देती हूँ, आपको क्या करना है, उस सेंटेंस के आगे सर्वनाम के भेद का नाम लिखना है। लिखोगे, प्रश्न आपके लिए रहेगा, ये रेखांकित सर्वनामों के प्रकार लिखिए, रेखांकित यानी अंडरलाइन किए हुए है, रेखांकित सर्वनामों के प्रकार लिखिए। पहला रहेगा रास्ते में रुकते रुकते रास्ते में रुकते रुकते मैं ऊपर पहुंचा, मैं शब्द को रेखांकित करूंगी, इसको आपका भेद लिखना है। दूसरा वाक्य, मां उसे अकेले कही, मां उसे अकेले कही जाने नहीं देती, जाने नहीं देती, मां उसे अकेले कही जाने नहीं देती। उसे पे अंडरलाइन करोगे, तीसरा तुम क्या बना रही हो, तुम क्या बना रही हो, क्या पे अंडरलाइन। चौथा
वह चमकने वाला पत्थर है। वह चमकने वाला पत्थर, वह चमकने वाला पत्थर हीरा है, हीरा है। वह पे अंडरलाइन। मोहन, मोहन खुद खुद अपने किए पर, अपने किए पर पछताने लगा। मोहन खुद अपने किए पर पछताने लगा। अगला वाक्य, मेरे पेट में, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट, मेरा यहाँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मेरा पे अंडरलाइन। नेक्स्ट, कोई उसे चुरा सकता है, चुरा सकता है। कोई पे अंडरलाइन। नेक्स्ट, जैसी चाह, जैसी चाह वैसी राह, जैसी चाह वैसी राह। नेक्स्ट, अब हमारे घर में, अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव, दुग्ध इस तरह से लिखोगे, दूध, दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। हमारे शब्द पे अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट, मैं अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा। मैं पे अंडरलाइन। नेक्स्ट, दिल्ली, बराबर,